दोस्तों बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान जल्द ही 59 साल के होने वाले हैं। शाहरुख 2 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। शाहरुख के फैंस एक्टर के बर्थडे के लिए बेहद एक्साइटेड हैं। उनके घर के बाहर एक दफा फिर उनके चाहने वाले उनका सिग्नेचर पोस्ट देखने के लिए उमड़ेंगे। आप भी किंग खान को बर्थडे विश करना ना भूलें। हाँ, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि शाहरुख को सिनेमा के अलावा दिलों का किंग क्यों कहा जाता है। दरअसल दोस्तों शाहरुख दोस्ती और रिश्ते बेहद दिल से निभाते हैं। आपको जानकर शॉक लगेगा कि डायरेक्टर एस शंकर को शाहरुख इतना हुनरबाज मानते थे कि उनके लिए शाहरुख ने 1 रुपए में पिक्चर साइन कर डाली थी। जी हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं कि शाहरुख ने एक फिल्म को 1 रुपए में भी साइन किया है। खास बात यह है कि ये फिल्म कोई और नहीं बल्कि नायक है जिसमें शाहरुख की कास्टिंग हुई भी नहीं। ये क्या चक्कर है आइए आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों 2001 में आई पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म नायक अनिल कपूर से पहले शाहरुख खान को ऑफर की गई थी। इनफैक्ट शाहरुख ने इस फिल्म को साइन भी कर लिया था, पर बाद में शाहरुख को एक दिन के सीएम वाला कॉन्सेप्ट बहुत प्रॉमिसिंग नहीं लगा, इस कारण उन्होंने फिल्म नहीं की। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने नायक साइन कर ली थी पर बात नहीं बनी। शाहरुख ने ये भी बताया था कि वो डायरेक्टर को एक साथ ढेर सारी डेट्स देने को भी तैयार थे और सिर्फ 1 रुपए फीस दी थी। शाहरुख ने कहा था, क्या उन्होंने आपको ये भी बताया कि मैंने उनके लिए साइन किया और साइनिंग अमाउंट लिया? तुम्हें पता है कितना? 1 रुपए। मैंने उनसे 1 रुपए लिया और उनसे कहा था कि जब भी वो चाहेंगे मैं उन्हें थोक में डेट्स दूंगा। शाहरुख ने आगे बताया, लेकिन मैंने तमिल वाली ओरिजिनल फिल्म देखी और मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन मैं हिंदी वर्जन करने को लेकर सहज नहीं था। मैंने शंकर को बताया कि तमिल वर्जन में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री वाली चीज ने शानदार ढंग से काम किया, लेकिन मुझे नहीं लगा कि उत्तर भारत में इतना बड़ा मुद्दा था। मैंने नहीं सोचा था कि ये अवधारणा इस तरह काम करेगी। तो उस फिल्म को लेकर हमारे कुछ इश्यूज थे, कुछ भी बड़ा नहीं था, बस कुछ चीजों पर हम एक जैसा नहीं सोचते थे, इससे करने का कोई मतलब नहीं था। दोस्तों जाते जाते बताते चले कि भले ही शाहरुख ने फिल्म को ठुकरा दिया हो और बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म फ्लॉप रही हो, लेकिन टीवी पर पिक्चर और अनिल कपूर को खूब पसंद किया गया है। वहीं शाहरुख ने भी डायरेक्टर को वादा किया हुआ है कि वो अब भी शंकर को जब वो मांगेंगे तब तारीख देंगे। आपको शाहरुख से जुड़े इस अनसुने किस्से के बारे में क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।